अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हेयर फॉर आवर लेक्चर नंबर 2 ऑफ रीडिंग स्किल्स. यस्टरडे वी हैव रेड अबाउट व्हाट इज लैंग्वेज एंड व्हाट आर लैंग्वेज स्किल्स. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द बेसिक लैंग्वेज स्किल, दैट इज रीडिंग स्किल्स. सो यस्टरडे we have already discussed that there are 4 basic language skills: listening, speaking, reading and writing. Reading comes at number 3. ठीक है, 4 basic skills हमने discuss की थी किसी भी language में, और English language में particularly reading उनमें 3rd number पर आती है. हम बाकी की skills को भी minor जो है वो discuss करेंगे, लेकिन reading आपके course में क्योंकि major topic है इसलिए हम उसको detail में study करेंगे. यस्टरडे हम लोगों ने ये भी देखा था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज स्किल्स आर देयर. सो देयर आर 2 बेसिक लैंग्वेज टाइप्स, रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव. तो जो रीडिंग स्किल है जिसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है, वो रिसेप्टिव स्किल में आती है, यानी कि आप चीज़ों को रिसीव करते हैं, समझते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं. आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस करनी है उनमें इंट्रोडक्शन देखेंगे रीडिंग का और रीडिंग स्किल का. इसके अलावा हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग रीड क्यों करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग देखेंगे और जो भी अदर कंपोनेंट्स या स्किल्स हैं वो देखेंगे. सबसे पहले रीडिंग. रीडिंग स्किल में इट इज़ अ पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन ऑफ समथिंग. रीडिंग होती क्या है, ये एक ख़ास चीज़ के समझने को कहा जाएगा. ठीक है, आपके पास आगे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई, इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रिकग्नाइजिंग वर्ड्स लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, गेटिंग द मीनिंग, टीच प्रोनंसिएशन एंड गैस्पिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्स्ट. रिटन टेक्स्ट में पहले देखें, जो रीडिंग होती है ना वो राइटिंग के अगेंस्ट आती है. ठीक है, आप कोई चीज़ लिखेंगे तो उसको पढ़ पाएंगे, ये रिटन चीज़ को ही पढ़ा जाता है. जिस तरह से लिसनिंग जो है वो स्पीकिंग के अगेंस्ट जाती है, इसी तरीके से रीडिंग जो है वो राइटिंग होती है. अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो आप उसको पढ़ेंगे, रिकग्नाइज करेंगे, परसीव करेंगे या अंडरस्टैंड करेंगे. सो इसमें आप अंडरस्टैंड करते हैं वर्ड्स को, रिकग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं. देन यू हैव टू डिवेलप and lead to the development of comprehension, यानी कि जब आप एक चीज़ को recognize कर चुके हैं उसके बाद आप उसको comprehend करेंगे, उसको समझेंगे. then you have to get the meaning, उसके बाद जब आपने समझ लिया है तो आपको कुछ meaning मिला है, अब आप उसको देखेंगे कि आपने इस चीज़ को pronounce किस तरीके से करना है, how you are going to pronounce that, and then you grasp or save the information from the given text. जो भी आपको text है वहाँ से आप relevant information को store कर लेंगे. सो इट इज़ अ प्रोसेस दैट नेगोशिएट्स द मीनिंग बिटवीन द टेक्स्ट एंड इट्स रीडर. जो भी रिटन टेक्स्ट है, रीडर उसके साथ एक लिंक बनाता है, अपना जो भी मीनिंग है वो वहाँ से निकालता है, इंटरप्रेट करता है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट अ सीरीज ऑफ रिटन सिम्बल्स एंड गेटिंग मीनिंग फ्रॉम देम. सो बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें आप रिटन सिम्बल्स को देखते हैं और फिर उन सिम्बल्स को मिला जुला के आप वहाँ से एक मीनिंग निकालते हैं. सिम्बल्स जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उनको भी सिम्बल्स बोला जाता है. कहीं पर कोई और मैथमेटिकल सिम्बल यूज़ हुआ है या फुल स्टॉप यूज़ हुआ है, ब्रैकेट्स यूज़ हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है, ये बेसिकली रीडिंग में आता है. अब रीडिंग स्किल क्या होती है, इट इज़ द स्किल दैट रेफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिटन टेक्स्ट. रीडिंग करने के लिए जो भी हुनर चाहिए होगा उसको रीडिंग स्किल कहा जाएगा. तो ये वो एबिलिटी है जो आपको काबिल बनाती है कि आप रिटन टेक्स्ट को समझ सकें. ठीक हो गया, व्हाई वी नीड टू रीड. अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किसी चीज़ को पढ़ते ही क्यों हैं. ठीक है, तो इसके आंसर ये है कि हम प्लेयर के लिए भी पढ़ते हैं, तफरी के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, और हम इंफॉर्मेशन के लिए भी पढ़ते हैं. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं व्हाई वी रीड फॉर प्लेयर, मतलब हम सोर्सेस क्या हैं प्लेयर रीडिंग के लिए, तो आपको मैं बताऊंगी स्टोरीज बुक हो गई, नॉवेल्स हो गए, कोई ड्रामे हो गए, इसके अलावा कोई भी मैगजीन हो गया वगैरह. ठीक है, आप टाइम पास के लिए उसको पढ़ें. फिर आप देखेंगे रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, अगर आप किसी आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, किसी टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हैं, किसी जर्नल को आपने रीड किया है, तो वो आप पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन को तलाश करने के लिए पढ़ेंगे.
अब उसके आगे से टाइप्स होंगे कि आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप किस तरह की रीडिंग करेंगे, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो रीडिंग जो है वो दो वजह से की जाती है, रीडिंग फॉर प्लेयर एंड रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग? इट इज़ फंडामेंटल टू फंक्शन इन सोसाइटी। लास्ट लेक्चर यानी कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि जो लैंग्वेज है वो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग वी नीड टू कम्युनिकेट इन सोसाइटी। तो वो एक मेजर स्किल है, लैंग्वेज स्किल है, तो उसकी सब स्किल्स में रीडिंग भी आती है। जब हमें सब स्किल्स आएंगी तभी हम एक मेजर स्किल की तरफ बढ़ पाएंगे। इट इज़ वाइटल स्किल इन फाइंडिंग गुड जॉब। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप अपनी जो जॉब है उसको आप अच्छी जॉब की तलाश कर सकते हैं। इट डिवेलप्स द माइंड, इट डिस्कवर न्यू थिंग्स, इट डिवेलप्स द इमेजिनेशन एंड इट डिवेलप्स द क्रिएटिव साइड ऑफ पीपल। बेसिकली रीडिंग से क्या होता है कि आपका माइंड ग्रो करता है, आप नई नई चीज़ों को पढ़ते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, आप इमेजिनेशन पावर आपकी तेज़ होती है, आप लिखे से ज़्यादा एज्यूम करना और समझना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपकी क्रिएटिव साइड जो है वो सामने आती है। बहुत सारे लोग जो इलिटरेट होते हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता या पढ़ना नहीं आता, तो वो सिर्फ सुन के इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो हम लोग जो कि सुनने से इंफॉर्मेशन लेने से ज़्यादा पढ़ के भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सो वी आर बेटर देन दैम। तो रीडिंग जो है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है पर्पस ऑफ रीडिंग। अब ये जो पर्पस है वो हमारी नीड के साथ मैच कर रहा है, हमारी जो रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन की नीड है उसमें अगर हम अपना पर्पस देखें कि हम इंफॉर्मेशन क्यों लेते हैं, सो वी वॉन्ट टू नो अबाउट द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। ठीक है, हम मेन आइडिया जो भी एक पैराग्राफ है पैसेज के है ना, उसका मरकजी ख्याल तलाश करने के लिए लेंगे, अंडरस्टैंड द गिस्ट ऑफ इट, उसके बारे में जो भी समरी होगी, निचोड़ होगा उसके बारे में जानने के लिए हम लोग रीडिंग इसलिए भी करते हैं ताकि हम उसमें से खास किस्म की इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल सकें। जैसे छोटे बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस दिए जाते हैं और एंड पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो रेलेवेंट क्वेश्चन के आंसर्स इसी तरीके से निकालते हैं कि वो खास या इंडिविजुअल पीसेस निकाल लेते हैं, इन्फॉर्मेशन की बिट्स निकाल लेते हैं, ठीक है, और उनको फिर आंसर करते हैं। और दूसरी बात, अंडरस्टैंड आइडियाज़ और फीलिंग्स ऑफ अ राइटर। अगर आप किसी पर्टिकुलर राइटर के बारे में जानना चाहते हैं कि वो एक ख़ास टॉपिक के बारे में क्या ओपिनियन रखता है, उसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो वो आप उसको पढ़कर जांच सकते हैं। ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर में कॉलम निगार होते हैं, कॉलम राइटर्स होते हैं, वो कॉलम्स लिखते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आप वो पढ़ के उसके आइडियाज़ को या उसकी फीलिंग्स के बारे में बता सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास था वाई वी रीड में, आपने देखा नीड क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और पर्पस क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ रीडिंग्स। तीन कंपोनेंट होते हैं रीडिंग के, इसको अगर मैं यूं कहूँगी कि फेजेस क्या है रीडिंग, एक प्रॉपर तरीका क्या है रीडिंग में, तो तीन तरह के फेजेस आते हैं, दौर आते हैं जिनमें हम लोग समझते हैं कि हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। तो पहला जो स्टेज या फेज होगा वो डिकोडिंग कहलाएगा, फिर कॉम्प्रिहेंशन और फिर रिटेंशन कहलाता है। डिकोडिंग हमारे पास चीज़ों को डिकोड करना, यानी एक जो सीक्रेट आपको गिवन है उसको खोलना है। वर्ड्स आर बेसिकली सीक्रेट, ठीक है, तो रिटन प्रिंटेड वर्ड्स को आपने ट्रांसलेट करना है, आपने रिकग्नाइज करना है और फिर उनको साउंड्स में कन्वर्ट करना है। अगर आपके पेज के ऊपर सी ए टी लिखा हुआ है तो आपने इसको क अ ट की साउंड में रिकग्नाइज किया है और आपने उसको डिकोड किया है। देन वी हैव टू स्किल्स ऑफ डिकोडिंग, वन इज़ आइडेंटिफिकेशन स्किल्स एंड वन इज वर्ड अटैक स्किल। ये पर्टिकुलरली मैंने मेंशन ही इसीलिए किया था कि ये टास्क आप लोग करेंगे, आप लोग बताएंगे, आप लोगों का आज इस लेक्चर के बाद होमवर्क भी यही है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर तलाश करके भेजना है कि आइडेंटिफिकेशन स्किल और वर्ड अटैक स्किल क्या होती है, फिर कल के लेक्चर में हम इसको दोबारा से डिस्कस भी करेंगे। द नेक्स्ट स्टेज और फेज इज कॉम्प्रिहेंशन। When you have done decoding, ठीक है, आप decoding कर चुके हैं, उसके बाद आपने अब comprehension की तरफ जाना है। Comprehension का मतलब होता है comprehend करना, किसी चीज़ को समझना। तो इस stage में आपकी level of understanding check की जाती है कि particularly जो भी text को आपने sounds में convert किया है उससे आपकी क्या information आपको मिली है। Basically interaction between the words, एक letter दूसरे लेटर के साथ मिलकर क्या वर्ड बना रही है, एक वर्ड दूसरे वर्ड के साथ मिलकर क्या मीनिंग दे रहा है, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इट लाइज ऑन मास्टरी ऑफ डिकोडिंग। इसके अलावा ये
डिपेंड करता है डिकोडिंग के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल दो लेटर्स हो गए, अल्फ़ाबेट्स हो गए, बी या डी, बी और डी के बारे में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सही से कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकते, वो उस सेंटेंस को क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। थर्ड फेज़ हमारे पास आती है रिटेंशन की। जब आपने उस चीज़ को समझ लिया है, कॉम्प्रिहेंड कर लिया है, तो अब आपने उसको रिटेंशन की तरफ लेकर जाना है कि वेदर यू कीप दिस इंफॉर्मेशन विद यू और नॉट। ठीक है, द कंडीशन ऑफ कीपिंग समथिंग इज़ नोन एज रिटेंशन। ठीक है, आपने किसी चीज़ को अपनी मेमोरी में सेव करना है या नहीं करना, ये रिटेंशन कहलाएगी। इट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट टू कंपोनेंट्स विच आर डिकोडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर आप डिकोड अच्छा कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंड अच्छा कर रहे हैं, तो आपकी मेमोरी में वो चीज़ भी सेव रहेगी फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें होती हैं जो किसी भी रीडिंग के फेज में आती हैं। अब इन तीन फेजेस में जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो नेक्स्ट कंपोनेंट्स में हम देखेंगे। अदर कंपोनेंट्स इंक्लूड फोनिक्स, फोनीम अवेयरनेस, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इंशाल्लाह ताला ये हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे कि ये बाकी कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं और इनका यूज़ क्या है। मैं सिर्फ इस टॉपिक की तरफ आऊँगी, रिक्वायर्ड स्किल इन रीडिंग। आज हम ये देखेंगे कि हम जब लिसनिंग सॉरी रीडिंग स्किल्स में की बात करें तो उसमें सब स्किल्स कौन सी चाहिए होती हैं। तो इसमें हमारे पास एक स्किल जो रिलेटेड टू आई मूवमेंट होती है। बेसिकली इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी आई मूवमेंट कैसी है, हम वर्ड्स को सही से देख पा रहे हैं या नहीं। इसके अलावा एबिलिटीज़ रिलेटेड टू विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, यानी एक वर्ड दिखने में अगर दूसरे वर्ड से डिफरेंट है तो क्या आप उसको डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं या नहीं। मैंने पीछे अभी एग्जांपल दी कि स्टूडेंट्स बी या डी में कंफ्यूज होते हैं, सो बेसिकली उनकी एबिलिटी जो है विजुअल डिस्क्रिमिनेशन की वो वीक है, वो दो मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते। बहुत सारे लेटर्स या वर्ड्स दिखने में सेम सेम होते हैं तो वो उनको सेम पढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट्स टी और एफ़ में कंफ्यूज होते हैं, कुछ स्टूडेंट पी और क्यू में या सी और ई में कंफ्यूज होते हैं, तो उनकी एबिलिटीज जो हैं वो विजुअल डिस्क्रिमिनेशन की वीक हैं। इसके अलावा आपके पास जो स्किल होती है वो एसोसिएशन स्किल्स हैं, यानी कि आप लेटर्स का या वर्ड्स का आपस में ताल्लुक बनाते हैं। आप कभी इस चीज़ को गौर करें कि हम लोग जब रीडिंग करते हैं, जिनकी फ्लुएंट रीडिंग होती है वो कभी भी पूरा वर्ड रीड नहीं करते, वो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट लेटर को रीड करते हैं। यानी कि उनका इतनी रीडिंग स्किल बेहतर हो गया कि वो एसोसिएट कर लेते हैं कि अगर पहला लेटर ऐसा है और लास्ट लेटर ऐसा है तो दरमियान में यही कुछ होगा। तो हमारी अगर एसोसिएशन स्किल्स अच्छी हैं, हम लेटर्स को रिलेट करके नए नए वर्ड्स बना सकते हैं, तो हम लोग एक अच्छी रीडिंग स्किल की तरफ, या हम कह सकते हैं कि हमारी रीडिंग स्किल अच्छी है। देन इंटरप्रिटेशन स्किल्स, हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितनी बेहतर है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं कि आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, रिटन वर्ड्स को वैसे ही इंटरप्रेट कर रहे हैं या नहीं। बेसिकली पर्पस एक राइटर का यही होगा कि उसने जो चीज़ लिखी है वो एज इट इज़ मीनिंग कन्वे हो किसी भी रीडर को। तो उस रीडर को कन्वे कैसे होगा जब वो सही से अपनी स्किल्स को यूज़ करके उस मीनिंग को अंडरस्टैंड करेगा। तो ये चार स्किल्स जो हैं वो हमें सब स्किल्स जो हैं वो रीडिंग स्किल्स में चाहिए होती हैं। रीडिंग स्किल्स में बेसिकली कुछ स्किल्स और होती हैं जो कि हमने डिस्कस की हैं। आई मूवमेंट की स्किल होती है, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन हमें आनी चाहिए, एसोसिएट करना आना चाहिए, चीज़ों का ताल्लुक बनाना आना चाहिए, उनको जोड़ना आना चाहिए, इंटरप्रिटेशन हम उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं या नहीं, ये सब चीज़ें डिस्कस होती हैं इस चीज़ में। सो आज के टॉपिक में हम लोगों ने यही डिस्कस करना था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम लोग अपने कंपोनेंट्स को देखेंगे और इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। टिल देन अगर आप लोगों के पास कोई भी क्यूरी है, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। और आज के लिए यही लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।